और इस वक्त हमारे साथ सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, 76 साल की उम्र में युवाओं की तरह जो एनर्जी है वो कहाँ से लेकर आते हैं? सबसे पहले ये बताइए, युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपको देते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि गांधी ने कहा था बुनियादी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, तो स्वच्छता, स्वच्छ रहे, स्वच्छता के साथ भोजन भी चाहिए, तो स्वस्थ रहेगा तभी स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ होगा। तो हम लोग का कैंपेन ये है कि आप ऐसी पढ़ाई पढ़ाइए जिससे लोग अपना रोजगार भी कर सकें। तो सैनिटेशन है, वाटर है, हेल्थ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हाँ, और बहुत सब है। तो आप पढ़ा दिया बच्चों को, अब काम खोज रहा है, मिल नहीं रहा है उसको, तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रचार प्रसार स्वच्छता का जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें 25 विद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं जी। सर, स्वच्छता के लिए तो आप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इस दौरान, लेकिन समाज से भी आपकी भी कोई अपेक्षाएं होंगी कि समाज को भी हमारे साथ चलकर कदम से कदम बढ़ाना चाहिए, समाज के लिए, जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? यहाँ चिंता दूसरे की तो फिर आपका काम गया जी। तो वो होने का नहीं है कि दूसरा करेगा तो मैं करूँगा। शिक्षा में जो रोजगार आप जोड़ दो तो उसका और प्रचार प्रसार होगा। लेकिन जो प्रश्न पूछा आपने जी, किसी का वेट न करो, आप काम करते चलिए, यदि आपका काम अच्छा है तो लोग स्वीकार करेंगे, और आपका काम अच्छा नहीं है तो क्या होगा। और जब हम इस काम में चले थे तो मेरी शादी जल्दी हो गई थी जी। तो अपने फादर लोग का पैर छूने गए हम, तो बड़े चिल्लाए जोर से कि आप अछूतों के साथ रहते हैं, शौचालय की बात करते हैं, मेरी लड़की का जीवन खराब कर दिया आपने। मैंने सोचा था कोई अच्छा काम करेंगे आप, हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी जिसम कर दी होती। अभी राष्ट्रपति जी गए ना, इन्होंने भी कहा मेरी पत्नी को कि गांधी पीस प्राइज मिला था उस समय, कि यदि इनसे शादी न करती आप तो इनका शादी नहीं होता। लेकिन अब चुकाना इसलिए है कि आप पहाड़ को नहीं घसका सकते, अब बट हमने वही काम किया है। कहते भी है ना जी सर, कहते भी है ना कि करे अगर कोशिश इंसान तो क्या कुछ नहीं मिलता, वो सिर उठाकर तो देखे जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो आपको तो पद्म भूषण भी मिल चुका है, और आज हमने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति, इसके साथ ही पूर्व CGI यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि आप तो योग्य हैं भारत रत्न के, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? अब एक रहस्य भी है, हम कुछ कहेंगे नहीं, पूरा देश यही चाहता है। नहीं ऐसा है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले रफीक। आपको आश्चर्य लगेगा कि 73 में 500 रुपया आला म्यूनिसिपैलिटी ने मुझे दिया 200 शौचालय बनाने के लिए, ठीक। वहाँ से चल के ये आंदोलन यहाँ आ गया, इसमें 1 रुपया भारत सरकार का, राज्य सरकारों का अनुदान नहीं है, न कृषि का अनुदान है न। तो अब बताइए, जो 200 शौचालय से लेकर के अभी 50,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। और एक लाइन कही जाती है ना कि जो किस्मत होती है वो हाथों की लकीरों में नहीं होती बल्कि माथे के पसीने में होती है, और वो पसीना आपने खूब बहाया है, पूरे देश की जनता इसको देख रही है, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के भी पात्र हैं। पहले हम धोती पहनते थे, ये पजामा भी है, स्टेशन पर रात में धोती बिछा देते थे, अंधेरे में पहने रहते थे, एक कुर्ता है ना निकाल के तकिया बना लेते थे, पैसा नहीं था मेरे पास में, और सो के सुबह उठे भोरे स्टेशन का जो होता है ना रेस्ट रूम, उसमें गए, वहाँ तैयार होकर के और फिर काम में चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ मैं रिशु त्यागी, APN News, दिल्ली।